दोस्तों, यामी गौतम एक इंडियन एक्ट्रेस है जिन्होंने अपने करियर में पंजाबी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और हिंदी जैसे कई फिल्म इंडस्ट्री के साथ काम की है। यामी गौतम ने सन 2021 में आदित्य धर से शादी की थी और सन 2024 में यामी गौतम बहुत जल्द ही एक बच्चे की मां बनने वाली है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के बेहतरीन एक्ट्रेस यामी गौतम की लाइफस्टाइल और बायोग्राफी के बारे में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखना। अगर आपको भी यामी गौतम पसंद है तो इस वीडियो को कर देना लाइक। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इनकी जन्म 28 नवंबर सन 1988 को बिलासपुर में हुई थी और 2024 के हिसाब से यामी गौतम अब 36 साल की हो चुकी है। दोस्तों, यामी गौतम नेशनलिटी से इंडियन है और रिलीजन से हिंदू है। और बात करें जोड़क साइन के बारे में तो इनकी जोड़क साइन है वर्गो। इनकी हाइट है 165 सेंटीमीटर यानी की 5 फीट 5 इंच और वेट 50 kg यानी की 110 lbs। इनकी फिगर मेजरमेंट है 33, 25 एंड 33। इनकी आई कलर ब्राउन है और हेयर कलर ब्लैक है। बात किया जाए इनकी शिक्षा जीवन के बारे में तो इन्होंने अपनी स्कूलिंग की पढ़ाई चंडीगढ़ की यदविंद्र पब्लिक स्कूल से करी है। फिर इन्होंने चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी में दाखिला ली, जहाँ से उन्होंने लॉ सब्जेक्ट में बैचलर की डिग्री अपने नाम की। रिपोर्ट्स के मुताबिक यामी गौतम की जन्म हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में हुई थी, लेकिन अपनी जन्म के कुछ साल बाद इनकी फैमिली चंडीगढ़ शिफ्ट हो गए थे, जहाँ पर इनके दादाजी बच्चों के लिए एक स्कूल बनवाए थे। यामी गौतम बचपन में काफी शाय टाइप की थी और इनको बचपन से ही पढ़ाई लिखाई से काफी दिलचस्प थी। दोस्तों, यामी गौतम जब अपने कॉलेज की पढ़ाई कर रहे थे तभी उनको एक IAS ऑफिसर बनने की बहुत बड़ी शौक थी, लेकिन बाद में उनको एक्टिंग की प्रति चाहत बढ़ने लगी और उन्होंने अपनी लॉ पढ़ाई को छोड़ दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक यामी गौतम तब 20 साल की थी जब उन्होंने मुंबई शिफ्ट हो गए थे एक्टिंग में अपनी करियर बनाने के लिए। मुंबई में शिफ्ट होने के बाद उन्होंने सबसे पहले एक मॉडल के तौर पर टेलीविजन एडवर्टाइजमेंट फेयर एंड लवली से अपनी करियर की शुरुआत की थी। फेयर एंड लवली की एडवर्टाइजमेंट में काम करने के बाद इनको काफी पॉपुलरिटी हासिल हुई और दूसरे एडवर्टाइजमेंट में काम करने की मौका मिली। दोस्तों, यामी गौतम ने अपनी करियर में एक मॉडल के तौर पर कॉर्नेटो, सैमसंग मोबाइल, चेवरोलेट एंड रेवलन जैसे कई सुपर ब्रांड को एंडोर्स की है। टीवी एडवर्टाइजमेंट में काम करने के साथ साथ इनको टीवी सीरियल में काम करने की मौका मिली और इन्होंने सन 2008 में राजकुमार आर्यन और सन 2009 में ये प्यार ना होगा कम जैसे कई पॉपुलर टीवी सीरियल में काम की। दोस्तों, यामी गौतम ने अपनी करियर में एक एक्ट्रेस की तौर पर कई बॉलीवुड फिल्म जैसे कि टोटल सियाप्पा, एक्शन जैक्शन, बदलापुर, सनमड़े, काबिल, उड़ीदा सर्जिकल स्ट्राइक और बला जैसे कई पॉपुलर मूवी में काम की है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इनके फैमिली के बारे में। दोस्तों, इनके पिताजी के नाम है मुकेश गौतम जो कि एक पंजाबी फिल्म डायरेक्टर है और माताजी के नाम है अंजलि गौतम। दोस्तों, इनका एक भाई है जिसका नाम है ओजस गौतम और एक बहन है जिसके नाम है सुरीली गौतम। बात किया जाए इनके मैरिटल स्टेटस के बारे में तो आपको बता दें कि यामी गौतम मैरिटल स्टेटस की ओर से फिलहाल मैरिड है। इनके हस्बैंड के नाम है आदित्य धड़ जिनसे इन्होंने सन 2021 में शादी की है और वे दोनों बहुत जल्दी एक बच्चे की पेरेंट्स बनने वाले हैं। चलिए बात करते हैं इनके कार कलेक्शन के बारे में। दोस्तों, कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक यामी गौतम के पास है एक ऑडी A4 कार जिसकी कीमत है करीबन 70 लाख रुपए। तो दोस्तों, ये थी इंडिया की बेहतरीन एक्ट्रेस यामी गौतम की लाइफस्टाइल और बायोग्राफी वीडियो। दोस्तों, आज की इस वीडियो यहीं पर समाप्त होते हैं। फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखा करें।